हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोलपुर बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस की अपडेट। जी हां, आखिरकार घर का नया कैप्टन कौन बनेगा और साथ में इस हफ्ते किसके हाथ में आएगा पूरी तरह कैप्टनसी का सत्ता। क्योंकि कहते हैं ना कि यार, जिसके हाथ में कैप्टनसी होता है वही रेड जोन वाले लोग को ग्रीन जोन में लेकर आता है, और ग्रीन जोन वाले लोग को एक मिनट नहीं लगाता है रेड जोन में लेकर जाने के लिए। जबकि रेड जोन और ग्रीन जोन वाली कोई बात ही नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आखिरकार उनको क्यों रखा गया रेड जोन में और इन्हें ग्रीन जोन में, क्योंकि कंटेंट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद आप एक तरह से कंटेस्टेंट भी अगर इस तरह से डिवाइड कर दोगे तो क्या होना है, जब यहाँ वहाँ ही घुमाना है, वोटिंग लाइन किसी और के लिए खोलना है, वोट किसी और को देना है, तो ये फंडा वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है। पर वेल, चाहिए जो भी है। अब आपको मैं ये बता देती हूँ आखिरकार कैप्टनसी की रेस में इस वक्त दो लोग कौन लड़े हुए हैं। तो जी हाँ, पवित्रा और जैस्मिन इस वक्त कैप्टनसी की रेस में लगे हुए हैं। अब इन दोनों में से कैप्टन कौन बनेगा, क्योंकि अगर मैं रेड जोन की बात करूँ तो वो पूरी तरह अपने आप को तैयार कर चुके, चाहे वो शार्दुल हो, नैना हो, रुबीना हो या राहुल हो, ये चाहते हैं कि इस बार का जो कैप्टन बने या तो अभिनव बने या तो जैस्मिन। वेल, अभिनव तो गेम से आउट हो चुके हैं अपनी ही गलती की वजह से, पर अब जब पवित्रा और जैस्मिन एक दूसरे के आमने सामने हैं तो कहीं ना कहीं ये बात पक्की है कि जैस्मिन ही घर की कैप्टन बन सकती है। क्योंकि जैस्मिन एक ऐसी है कि उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने सबके साथ अपना बना के रखा है, तो ये सारी वजह से। वहीं जैस्मिन की अगर मैं बात करूँ तो जैस्मिन कहीं से नहीं चाहती कि वो इस हफ्ते कैप्टन बने, क्योंकि इस हफ्ते अगर वो कैप्टन बनेंगी तो उनको वहाँ से रेड जोन में से यहाँ लेकर आना पड़ेगा। और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है वो उन चार लोगों की जगह पे कौन से ऐसे चार लोग होंगे जिनको वहाँ पे भेजेंगी, क्योंकि उनको वो माइंड नहीं सेट कर पा रही है, जिसकी वजह से उनको एली भी ये बात बोलते हैं कि इस हफ्ते तुम ना बन तो तेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जैस्मिन ही घर की नई कैप्टन बनने वाली है। जी हाँ, जैस्मिन के हाथ में आने वाला है पूरा सत्ता। और अब कुछ अगर उनके हाथ में सत्ता आएगा और अगर किसी को रेड जोन में ग्रीन जोन में लेकर आना है, क्योंकि अभिनव को उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो रुबीना को लेकर आएंगी, अगर अभिनव को नहीं भी प्रॉमिस करती तब भी वो रुबीना को लेकर आती, रुबीना के बाद अगर वो किसी और का नाम ले सकती तो नैना, शार्दुल और राहुल को वो बाहर लेकर आएंगी। और अगर उनके जगह पे उनको किसी चार लोगों को डालना हो तो जहाँ वो पहले ही क्लियर है कि वो एजाज और निक्की को अंदर डालेंगी, अब उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो उन्हें पवित्रा और जान को ही डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा वो किसी और के साथ ही गेम नहीं खेल सकती कि भैया बाहर या अंदर करें। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो एली उनको ये बात साफ तौर पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि शार्दुल और पवित्रा उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इन दोनों के अपोजिट तू ना खेल तो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर अपोजिट ही सिर्फ यही दो लोग हैं, चाहे वो पवित्रा और जैस्मिन हो, तो ऑफकोर्स उनको गेम खेलना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। तो इस बार की कैप्टनसी पूरी की पूरी जैस्मिन बसीन के हाथ में है। वहीं जैस्मिन बसीन क्या करेंगी ये डिसाइड पूरी तरह एली करने वाले हैं, क्योंकि ये बिग बॉस ने खुद डिक्लेयर किया है कि आप कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकती, आप जो भी करेंगी, जिस तरह का भी गेम खेलेंगी, जैसा भी खेलेंगी, वो एली के बोलने पर ही करेंगी। तो वेल, अब आने वाला वक्त तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एली के बोलने पर अब कैप्टनसी देखने मिलेगी हमें जैस्मिन बसीन की। और जब जैस्मिन बसीन कैप्टनसी में आएंगी तो क्या वो वही स्वीट जैस्मिन बसीन रहेंगी या भैया कुछ नया उतार दिखाएंगी, वेल ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है जैस्मिन की कैप्टनसी को देखने के लिए एक हफ्ते, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। और बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोलबोल बॉलीवुड के साथ।